ठीक, जिन सवाल खड़ा होता है, एक कड़वी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। पैसे की बात है, रिलेशन की बात है, रिजल्ट की बात है, तमाम चीजें अपनी जगह की है। लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, हम और आप एक सेम प्रोफाइल के लोग, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। बुरा लगे तो लग सकता है आपको, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे हम बड़ा बन सकते हैं, जिससे हमारा बड़ा नाम हो सकता है, बड़ा बैलेंस हो सकता है, हम बड़ी शख्सियत हो सकते हैं, हम सेलिब्रिटी बन सकते हैं, ऐसा और कोई अवसर नहीं है। क्योंकि वी आर द नॉन टैलेंटेड पर्सन, अपन टैलेंटेड लोग नहीं है। अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति होता है, उसके लिए कमाने के हजार रास्ते हैं। यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक क्वालिटी किसी के पास है, एजुकेशन है, डिग्री है, स्किल है, तो वो बड़ा नाम कमा सकता है। जैसे जैसे कि कोई स्पोर्ट्समैन है, अपने स्पोर्ट्स की स्किल को प्रेजेंट करके, परफॉर्म करके वो नेशनल लेवल पे खेल सकता है, खेल सकता है कि खेल सकता है, बड़ा नाम कमा सकता है। किसी को सिंगिंग का हुनर हो, किसी को डांस आता हो, किसी की बॉडी अच्छी हो, वो मॉडलिंग कर सकता है, उसके पास हुनर होता है, कोई गाने का है तो गाने के रूप में सेलिब्रिटी बन सकता है, बहुत बड़ी फेम फॉलोइंग खड़ी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास यूनिक टैलेंट है। आप अपने आप से बात करिए, मैं इसमें शामिल हूँ, क्या हमारे पास वैसा यूनिक टैलेंट है जो हमारे पास है और किसी और के पास नहीं है? क्या है? अगर आपके पास डिग्री होती, आप आईएएस वगैरह होते, तो आप पैसा कमा सकते थे। वो अवसर हमारे पास चला गया, क्या बहुत कम संभावना रही है? आप मानते नहीं मानते, मेरा मतलब यूनिक टैलेंट वाला ही व्यक्ति बड़ा पैसा कमा सकता है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि सर ने बताया, आप अपनी आईडी लगाते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, अच्छी नीयत, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे रिजल्ट, अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे लोगों का सहयोग है, आप यहाँ बड़ा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? लोगों को सही प्लेटफॉर्म देंगे, लोग काम करेंगे, खुद पैसा बनाएंगे और आपको बड़ा बनाएंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम तालियां होनी चाहिए। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम एक्स्ट्रा टैलेंट वाले, यूनिक टैलेंट वाले, स्किल वाले लोग होते तो आप दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो हमारी जगह पीछे होते है कि नहीं? हमारे पास पब्लिक पेरेंटल प्रॉपर्टी होती, हमारे पिता के पास शोरूम होते, उनके पास बहुत बड़े बागान होते, उनको संभाल रहे होते, हमें नौकरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं और AWPL के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं। यस और नो? जैसे कि अभी मान लीजिए मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी को जियो का MD बना दिया, तो अपने पिताजी के पास जियो होती तो अपने भी बन जाते कि नहीं बन जाते? यस और नो? गहलोत ने अपने बेटे को मान लीजिए क्रिकेट का अध्यक्ष बना दिया, अपने पिताजी गहलोत तो अपने बन जाते? अब समझ रहे मेरे बात? अमित शाह ने अपने बेटे को नेशनल का बना दिया, BCCI का, अब समझ रहे मेरे बात को? कहने का मतलब हमारे पास अवसर नहीं, वी आर द कॉमन पर्सन, वी हैव ओन प्रोफाइल, हमारे लिए अवसर है। लास्ट में तमाम बातें हो जाती है, चलो ठीक है, ये काम किया जा सकता है, तालियां बिल्कुल बजा सकते। मान ली
कुंठा पैदा होती कि नहीं, कुंठा से भी पागलपन आता है, तो हम समझो तो भी जिंदगी जी रहे हैं। अपना बच्चा मान लीजिए वो सिंगिंग में डांसिंग में जाना चाहता है, वो तीरंदाजी में जाना चाहता है, शूटिंग में जाना चाहता है, हम नहीं कर पाते। आप समझ लेंगे मेरी बात को। अपन मान लीजिए बहुत बार सोसाइटी में जाते हैं, वो एक साथ अपने साथ में जाता है, वो 500 रुपए कन्यादान का लिखाता है, अपनी हैसियत का मैं अपन 100 रुपए निकाले में थोड़ी हिचकत करते हैं, 500 देकर चला जाते, फिर 100 लिखा दे, ये समझौते की जिंदगी नहीं है क्या? बच्चा बाजार में जाता है खिलौने के लिए, कहता है वो 500 रुपए के खिलौने के लिए कहता है, 50 का दिलाते, उसको डांटते टपाटते, उसकी कोमल भावनाओं को करते ही नहीं करते, ये तो हमारी जिंदगी है। घर में अतिथि आ जाते हैं, दाल में पानी, दूध में पानी, एक बेड पे चार को सुला रहे, ऐसी है नहीं, पंखे से काम चला रहे, ऐसा है कि नहीं? वो नहीं चाहता यार, लेकिन लाइफ चाहते कि नहीं चाहते, हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता, लेकिन तो समझो तो जिंदगी पहले से ही चल रही है। तो एक सवाल के मन है दोस्तों, या तो आप जिंदगी पर समझौते की जिंदगी से गुजरते रहे, पिछले 3 पीढ़ी से आप देख रहे होंगे, अगर आप पहले से मालामाल है अमीरी की जिंदगी जी रहे तो AWPL आपके लिए नहीं है, और अगर मैं बता रहा हूँ वैसे हालात से अगर गुजर रहे तो AWPL निश्चित रूप से 100% के लिए बनी हुए, और उसका एक ही रास्ता है कि AWPL से अमीरी आ सकती है। तो या तो जिंदगी से आप मतलब तौली दावत का संबंध रखिए, या जिंदगी से बाहर आना है तो एक बार आप निर्णय लीजिए और इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि तो पुरखे कहते हैं, बड़े कहते हैं कि सब जिंदगी में जो दर्द होता है, जब कोई दर्द होता है उस दर्द से छुटकारा चाहिए तो बड़ा दर्द लेना पड़ता है। लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? जहर जहर की दवाई होती है कि नहीं? कांटे से कांटा निकाला जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब अपने पैर में कोई कांटा लग जाता है और अपन से चप्पल नहीं पहनी जाती है, कहीं यात्रा करनी होती है, तो क्या अपन उस कांटे को बढ़ावा रहने देते? क्या करते कि वो ठीक हो? उसके लिए उसे गहरा निडल अपन सुई लेते कि नहीं लेते, और उसका गहरा जाकर उस कांटे को निकालते, एक बार ज्यादा दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है ना, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। अमरनाथ की यात्रा में जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? और वो रही तो वो दिक्कत होती है। कई बार किसी के शरीर में अपेंडिक्स का दर्द हो जाता है, अब वो दर्द है कि नहीं है, लेकिन उससे दूर होने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन कराना पड़ता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है, पैसे लगते हैं, शरीर कटवाना पड़ता है, उस दर्द से बचने के लिए गहरा दर्द लेते हैं। बस यही फिलोसॉफी है दोस्तों। या तो ये है जो आज आपकी जिंदगी है, आप अपने आप को न्योछावर कर दीजिए, इसको जीते रहिए, इसे मोहब्बत करते रहिए, अगली पीढ़ी तक नहीं बदलने वाली, क्योंकि एक बात कही गई है कि अगर आप जो करते रहे वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता रहा है। अलग हटकर करने के लिए अलग हटकर निर्णय लेना पड़ेगा। आज आपके द्वार पर लक्ष्मी ने दस्तक दी है, आज आपके पास अवसर है, बस एक बार गहरा घाव लीजिए, 15-16 हजार की व्यवस्था करिए, प्लेटफॉर्म को चूज करिए, फिर सीखिए, सिखाइए, टीम बनाइए, टीम आपको बढ़ावा रहेगी। ये सुनो, तैयार है। अब सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि जब 15-16 हजार रुपए कौन लेकर आता है? कोई पॉकेट में लेकर थोड़ी चलता है। आजकल तो वैसे ही एटीएम रखते हैं, एटीएम से जाते निकाल लेंगे, आप मेरे को पता है निकालेंगे ना, निकाल के दे देंगे। इसलिए इन हॉल के अंदर किसी के पास 15 हजार नहीं है, और मैं भी नहीं कहता कि आप 15 हजार लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आपको सीनिटी का बेनिफिट आपको लेना है, केवल मात्र ये 600 रुपए का एक टूलकिट है, जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, ये सारी जानकारी होगी। और इसमें जो जितने भी अब तक के कार अचीवर है, उन कार अचीवर्स की फोटो, जो लग्जरी कार हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, उन सब की फोटो है। तो बिजनेस का एक टूल किट होगा, इसमें आपको एक रसीद मिलेगी, और रसीद के बिहाफ पर आपको बिजनेस में सीनियरिटी मिलेगी। उस सीनियरिटी का क्या लाभ होगा कि जैसे आज आप ज्वाइन करते हैं, एक सेकंड पहले अगर ज्वाइन करते हैं, आपके बाद आने वाला व्यक्ति आप ही का एसोसिएट होगा, वो आपकी डाउनलाइन होगा, आपका बिजनेस पार्टनर होगा, वो आपको बिजनेस देगा। जैसे कि मनोज जी सर ने बताया होगा कि सब यू की पोजीशन में होता है, एस ए ओ और एस जी ओ बताया, पर उस एस ए ओ में और एस जी ओ में आपके आने वाले लोग आएंगे। अब बात बताओ, जिंदगी में हर आदमी बिजनेस में सोसाइटी